परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 17, पद संख्या 12। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार में जो एलियस की समस्या थी, जो एलियस का उदाहरण था, वो प्रभु उन्हें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। जब रूपांतरण के बाद प्रभु अपने शिष्यों के साथ पहाड़ से उतर रहे थे, उन्होंने कहा, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा ना करो, रूपांतरण के दर्शन का चर्चा ना करो। इस पर उनके शिष्यों ने पूछा, शास्त्री ये क्यों कहते हैं पहले एलियस को आना है? देखिए प्रिय भाई तथा बहनों, किस प्रकार हम प्रभु यीशु का नजरअंदाज करते हैं। जब मानव पुत्र इस संसार में आए थे, लोगों को पता था वही है मानव पुत्र, लेकिन वो उनको अपनाना नहीं चाहते थे। कारण यह था, जो उनका विचार थे, जो उनका चाल चलन थे, जो उनका नियम थे, वो सब प्रभु नकारते थे। वो उनमें नयापन लाना चाहते थे, क्योंकि शास्त्री लोग, फरीसी लोग नियमों को लाते थे लेकिन पालन नहीं करते थे, केवल बोझ दूसरों के ऊपर डालते थे। और ये सब तरीका प्रभु बदलना चाहते थे। नबी एलियास एक धर्मोत्सव, धर्म का पालन करने वाला और आश्चर्यजनक कर्मों से बहुत प्रसिद्ध नबी थे, और इनकी अनोखी कीर्ति और विशेष अधिकार इसमें थी कि वो अपने शिष्य और उत्तराधिकारी एलिशा को देखते देखते ही अग्निमय अश्वों के सहित एक अग्निमय रथ के साथ भवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 11। इसीलिए सब फरीसी लोग, शास्त्री लोग यही सोचते हैं कि वह पहले आना है, उसी के बाद ही मानव पुत्र आएगा। किस प्रकार हम अपना कान को, मन को बंद करते हैं जब नयापन हमारे बीच में आता है। प्रभु यीशु मसीह जो पुराने विधान के सब नियम थे उसको बदलना चाहते थे, उनमें नयापन लाना चाहते थे, उनको सटीक बनाना चाहते थे, क्योंकि फरीसी लोग कर्ता धर्ता नहीं थे लेकिन केवल बोझ देने वाले इंसान थे। दूसरों पर बोझ लादना केवल उनका कर्तव्य था। प्रिय भाई बहनों, जब योहान बपतिस्ता उनको समझाते हैं, तैयारी करना है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, ये सब बहाने बनाते हैं, दूसरों को उदाहरण देते हैं, नबियों को उदाहरण देते हैं, पहले एलियास को आने दो, एलाइजा को आने दो, उसके बाद ही हम मानव पुत्र को विश्वास करेंगे और उनका इंतजार करेंगे। यौहन ने मानव हृदय की भ्रष्टता और यहूदी धर्म का दुष्टता, भ्रष्टता, भ्रष्टाचार की निंदा की तथा उन्हें पश्चाताप करने का आह्वान दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज का सुसमाचार में कहते हैं कि शास्त्रियों ने उन्हें पहचाना नहीं और उनके साथ मनमाना व्यवहार किया। मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 12। प्रिय भाई तथा बहनों, प्रभु को किस प्रकार हम पहचानते हैं? अंतिम प्रश्न मनन चिंतन के लिए आज का पूरा दिन, प्रभु यीशु मसीह वास्तव में मेरे लिए कौन है? वास्तव में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कौन है? आमीन।